राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 4 से है। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि आपको एस शांत की बुक बायोलॉजी में मिल जाएगा। ये जो बुक लिखी है वो लिखी है लखमीर सिंह एंड मनजीत कौर ने। बच्चों, अगर आपको एस शांत की बुक या एनसीईआरटी बुक चाहिए और आपके पास नहीं है, घर बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे आप मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है इस वीडियो के, और अमेजोन के लिंक के थ्रू आप लोग घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं एस शांत और एनसीईआरटी की बुक। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 191 पर मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ वो है 1 to 17। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले। लेट स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। देखिए, रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसमें ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे ऑफस्प्रिंग, माने जन्म लेने वाले बच्चे में। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, उससे ऑफस्प्रिंग आता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से मिलता है तब ऑफस्प्रिंग यहाँ पे जन्म लेता है। तो मेल के 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, तो इनके मिक्सचर से बन रहा है, तो आपके जो फीचर्स है यहाँ पर वेरिएशन जो देखा जाएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि वहां पे दो डिफरेंट पेरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर में आप लोग लिख देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, नेम वन वेरिएशन इन ह्यूमन कनेक्टेड विद ईयर्स। अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो ह्यूमंस में एक ऐसा वेरिएशन बताना है जो कि कानों में देखा जाता है, ईयर्स में देखा जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग फ्री ईयर लोब्स, तो ये वेरिएशन है फ्री ईयर लोब्स। ये वेरिएशन ह्यूमंस में देखा जाता है, वो भी कानों में, ईयर्स में। फिर है थर्ड, व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड नेक्स्ट, कि इसमें से कौन सा लिंक आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बांधता है, मतलब किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होती है, तो वो होती है गैमेट्स के थ्रू। तो ये लिंक्स होंगे गैमेट, मेल का स्पर्म होता है गैमेट, और फीमेल का क्या होता है, फीमेल का होता है एग। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर रहे तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, सारे के सारे एस शांत के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड ट्रेट बी, ट्रेट माने की जो भी गुड़ होगा, ट्रेट ए है कोई एग्जिस्ट इन 10%, ये 10% है कौन सी पॉपुलेशन में जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर बोला है कि ट्रेट बी है, गुड़ बी है, एग्जिस्ट इन 60% इन दी सेम पॉपुलेशन, ठीक है। विच ट्रेट इज लाइक टू हैव अराइज इन अर्लियर, तो कौन सा ट्रेड पहले आया होगा, तो ऑब्वियसली जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो पहले आया होगा, तभी तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अराइज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेड बी। यही तो हेरिडिटी चैप्टर है ऑल अबाउट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, मेंडल। तो मेंडल हमारे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था अपना। मेंडल सेड दैट द करेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स, माने जो भी गुण हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं बाय द इंटरनल फैक्टर विच अकर पेयर, जो कि पेयर में आते हैं। देखिए, जैसे कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मतलब कि एक पेयर सेम हो गया तो टोटल क्रोमोसोम्स हो गए 46। वॉट इज द मॉडर्न नेम ऑफ दीज फैक्टर्स, तो मॉडर्न नेम क्या दिया गया है इन फैक्टर्स को, तो इन फैक्टर्स को मॉडर्न नेम दिया गया है जीन्स। इसको जेनेटिक डिफरेंस भी बोला जाता है कि हर किसी ऑफस्प्रिंग का अपना एक जीन्स अलग होते हैं, जेनेटिकली वो डिफरेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम प्लांट अकर इन वन ऑफ द टू साइजेस, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अलग अलग साइजेस में
देखे जाते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, टॉल एंड ड्राफ्ट। कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। द करेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ जीन। तो ये लंबाई बढ़ना, लंबाई का काम होना एक करेक्टर है जो कि वन पेयर ऑफ जीन में देखा जाता है। टॉलनेस इज डोमिनेट ऑफ ड्राफ्टनेस। देखिए टॉलनेस को कैपिटल ई से शो किया जाता है और ड्राफ्टनेस को स्मॉल टी से, ठीक है। तो इसमें तो ये जो करेक्टरिस्टिक है दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डोमिनेट, एक होता है रिसेसिव, ठीक है, एक होता है रिसेसिव। अगर उस जीन में डोमिनेट वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जिसमें कि जो टॉलनेस और डाफनेस का ये करेक्टर है, दूसरे में टी एंड टी है, जब इनके बीच में कॉपुलेशन होगा तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले, और फिर अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मिले। तो जो प्लांट होगा वो कैसे दिखाई देगा? तो देखिए इसमें डोमिनेट करेक्टर है तो ये लंबा होगा, टॉल होगा, ये ट्राफ होगा। इसमें भी डोमिनेट करने वाला फैक्टर है स्मॉल कैपिटल टी, तो ये भी लंबा होगा, स्मॉल होगा। अगर आपको डोमिनेट वाला जीन है तो आपको डोमिनेट वाला ही हाइट मिलेगा इसमें। तो इसमें पूछा गया है चूज सुटेबल लेटर फॉर द जीन। तो टॉलनेस इज डोमिनेट टू ड्राफ्टनेस, मतलब कि यहाँ पे डोमिनेट करने वाला जीन है तो यहाँ पे कौन सा होगा? टॉल वाला होगा और ड्राफ्ट वाला भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया टॉलनेस इज डोमिनेट टू ड्राफ्टनेस, तो इसमें ड्राफ्ट वाला भी होगा। तो सिक्स का आंसर होगा चूज अ सुटेबल लेटर फॉर द जीन पेयर। तो ये जीन पेयर में ये होगा जहाँ पे डोमिनेट वाला भी फैक्टर है और ड्राफ्टनेस वाला भी है। अगर सिर्फ डोमिनेट डोमिनेट होता तो आप डबल टी लिखते, अगर सिर्फ ड्राफ्ट ड्राफ्ट होता तो ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आएगा। सेवेंथ है व्हाट आर द क्रोमोसोम्स एक्स वाई एंड एक्स एक्स नोन एज। इन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, एक्स वाई एंड एक्स एक्स। तो देखिए ये क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स है। कैसे क्रोमोसोम्स है? दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। ये देखिए एक्स वाई एंड एक्स एक्स, ये मेल के अंदर होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। जब एक्स क्रोमोसोम एक्स से मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होता है, जब एक्स क्रोमोसोम एक्स से मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होता है, जब वाई एक्स से मिलता है तो बॉय बेबी होता है, और इसी तरह से यहाँ पर भी बॉय बेबी होता है। तो एक बच्चे के जन्म के वक्त पर 50-50% चांसेस होते हैं बॉय बेबी और गर्ल बेबी के होने के। नाउ एट्थ है विच ऑफ द टू स्पर्म और ओवम डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जैसा कि मैंने बताया है कि मेल के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, तो मेल पर डिपेंड करता है। अगर किसी पर डिपेंड करना ही है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, वैसे तो किसी पर भी नहीं डिपेंड करता, ये सब नेचुरल चीजें हैं। तो अगर फिर भी आप किसी पर डिपेंड करवाना चाहें कि किस पर डिपेंड करता है, तो मेल पर करता है। मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म। तो यहाँ पे स्पर्म हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नाइन्थ आता है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें से बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है या गलत। द सेक्स ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा 0 से 2 वर्ष का, ठीक है। द सेक्स ऑफ एन इन्फेंट इज नॉट केस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब आपको यहाँ पर दिखता है? तो इसमें ये सही है या गलत है ये बताना। द सेक्स ऑफ इन्फेंट इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा ये करेक्टरिस्टिक होता है इनहेरिटेंस का, तो ये स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यहाँ पर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हैज अ एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है और जिसके पास क्या पेयर है? एक्स वाई क्रोमोसोम्स के पेयर। ऑब्वियसली ये मेल को डिनोट करेगा क्योंकि जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये किस तरह के क्रोमोसोम्स हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और दोनों डिफरेंट है तो मेल के अंदर होते हैं। विल इट बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल? तो यहाँ पे बेबी बॉय आपका आंसर आना है, तो आप टेंथ का आंसर लिख देंगे बेबी बॉय। अब इसके बाद इलेवेंथ आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड। इसमें से एक्स एक्स वाला कॉम्बिनेशन मेल चाइल्ड को पैदा करेगा, एक्स वाई वाला, तो ऑब्वियसली अभी हमने बात की थी, तो एक्स वाई वाला बॉय बेबी बॉय यानी मेल चाइल्ड को पैदा करेगा और एक्स एक्स वाला गर्ल
चाइल्ड को पैदा करेगा। फिर 12th है, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। हमें उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में बताया था और न्यू जनरेशन में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जाएंगे ये बताया था। तो उनका नाम था ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ प्लांट वर यूज बाय मेंडल फॉर कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस तरह के प्लांट्स का यूज किया था, पी प्लांट्स का। वो भी इसलिए किया था क्योंकि उनका लाइफ स्पैन भी कम था, साथ में काफी ज्यादा वैरायटी वहां पे देखने के लिए मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, द जीन फॉर द रेड हेयर इज रिसेसिव। मतलब ये बोला है कि जो रेड हेयर का जो जीन है वो रिसेसिव है, माने अगर इसके सामने कोई डोमिनेंट वाला जो जीन आ जाएगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। टू द जीन ऑफ ब्लैक हेयर, और ब्लैक हेयर वाला डोमिनेट है। वॉट विल बी द हेयर कलर ऑफ अ पर्सन इन द इनहेरिट अ जीन फॉर रेड हेयर फ्रॉम हिज मदर। अभी बोल रहे कि एक पर्सन को रेड हेयर का जीन मिला उसकी माँ से एंड ब्लैक हेयर का जीन मिला उसके फादर से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डोमिनेट वाला जीन है और डोमिनेट वाला जीन जो होगा वही कलर वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। तो 14 का आंसर आएगा ब्लैक हेयर। 15th है, व्हाट आर द फोर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से फोर ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है और ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। 16th है, नेम वन रेप्टाइल इन ईच केस वेयर, रेप्टाइल जो रेंगते हैं जैसे छिपकली से आप, ठीक है, नेम वन रेप्टाइल इन ईच केस वेयर हायर इनक्यूबेशन टेम्परेचर लीड टू डेवलपमेंट मेल प्रोजेनी, जहां पर की टेम्परेचर हाई चाहिए। तो यहाँ पे मेल प्रोजेनी में किसको चाहिए, लिजार्ड को, छिपकली को। इसमें भी आप बता सकते हैं एगामा एगामा। फिर है फीमेल प्रोजेनी में आपको बताना है, तो फीमेल प्रोजेनी में टर्टल आपका आंसर आएगा और इसमें भी आप लिख सकते हैं क्राइसेमा पिक्टा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मेरे और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल पर रेड कलर का बेल आइकन उसको हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस टाइम टू टाइम पता चलते रहे। लेट्स टू दीस क्वेश्चंस नाउ। 17, जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, जो जीन्स हैं हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। फिर है बी, इन पी प्लांट द जीन फॉर ड्राफ्टनेस इज, पी प्लांट में जो मतलब ठिगनेपन छोटेपन के लिए जो जीन होता है वो टी स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिसेसिव होता है। कैसा होता है, दिस इज रिसेसिव, जबकि जो टॉलनेस होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब उसका प्रभाव ज्यादा होता है। फिर है द मोस्ट पीपल हैव डैश, तो ज्यादातर जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, उनके ईयर लोब्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, बट सम हैव अटैच्ड, और कुछ के जो ईयर लोब्स होते हैं वो अटैच होते हैं। डी है, अ ह्यूमन गैमेट कंटेन डैश क्रोमोसोम्स। ह्यूमन गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वेयर एज नॉर्मल बॉडी सेल हैज अ ह्यूमन गैमेट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स, वेयर एज नॉर्मल बॉडी सेल्स हैज 46 क्रोमोसोम्स इन इट। अच्छा सॉरी, पेयर में नहीं होता क्योंकि 23 ही स्पर्म में आएंगे, 23 ओवा में आएंगे, तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट में और 46 सेल बॉडी में होते हैं। फिर ई आएगा यहाँ पर, ऑल रेसेस ऑफ मैन हैव डैश ब्लड ग्रुप, जितने भी इंसान की प्रजातियां हैं धरती पर उसमें कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ए एंड बी एंड ओ, तो 4 होते हैं। एफ है, द डैश क्रोमोसोम्स फॉर अ डैश आर एक्सएक्स, द सेक्स क्रोमोसोम फॉर गर्ल और फॉर फीमेल आर एक्सएक्स, वेयर एज फॉर द मेल इज एक्स वाई।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।